संत और कवि तुलसीदास का जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की समाप्ति तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन पूरे भारत में तुलसीदास जन्म जयंती हर्षोल्लास से मनाई जाएगी। छिंदवाड़ा जिला के चौरई नगर में तुलसी जयंती का भव्य कार्यक्रम 9 अगस्त से प्रारंभ होगा और 12 अगस्त को इस कार्यक्रम का समापन होगा। तुलसीदास जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम वेद प्रकाश चौरसिया ने जानकारी में बताया है कि चौरई में तुलसी जयंती का कार्यक्रम इस साल 58वां वर्ष है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जन्म जयंती के उपलक्ष में बड़ी धूमधाम से लगातार 3 दिन तक चौरई में महिला मंडल एवं पुरुष मंडल द्वारा जस प्रतियोगिता, रंगोली शैला प्रतियोगिता, झांझे भजन प्रतियोगिता कराया जाएगा। उसके बाद शोभा यात्रा एवं झांकी पूरे नगर में निकाली जाएगी। तुलसीदास जयंती कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम चौरसिया ने बताया, सभी धर्म बंधुओं से कार्यक्रम में आने की अपील भी की है। तुलसी जयंती समारोह 58 वर्षों से, ये 58वां वर्ष है तुलसी जयंती समारोह का, और समिति ने, पूरे ग्राम के लोगों ने, वरिष्ठ जनों ने मिलकर मुझे तुलसी जयंती समिति का श्री राम वेद प्रकाश चौरसिया के नाम पे सहमति जताई। सारे लोग मिलकर इस कार्यक्रम को, हमारे मेरे पूर्वज श्री लक्ष्मण प्रसाद जी चौरसिया मेरे पिताजी इसके संस्थापक रहे, और रामेश्वर दास जी खंडेलवाल, श्री गेंदलाल जी शर्मा, जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, चौरई नगर के वासी। राम कथा सचि किरण समाना, संत चकोर करहिं जही पाना, पूरे लोग इस का पान कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरा चौरई का नगर, पूरे लोग बड़े उत्साह से, पूरे तन्मयता के साथ में इसमें शामिल होते हैं। सारे लोग, चौरे के लोग इसमें पूर्णतः सहयोग करते हैं, और हमारी समिति के लोग, हमारे वरिष्ठ जन आज हमारे साथ में इसमें कलेक्शन में, सारी चीज़ों में, इनाम देने में चौरे के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और इस कार्यक्रम को 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख को तुलसी जयंती समारोह रहेगा, और ये कार्यक्रम को 12 तारीख को इनाम वितरण भी रहेगा। इसका बहुत भव्य रूप रहता है, और मध्य प्रदेश में, मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में इससे बढ़िया कार्यक्रम तुलसी जयंती समारोह का नहीं होता है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है ये। BCN न्यूज़ के लिए चौरई से संवाददाता राजेश उइके की रिपोर्ट।